अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे लॉन्चर के बारे में बताऊंगा, अगर आपका मोबाइल 1 GB, 1.5 GB या 512 MB है, या आपके मोबाइल की रैम कम है तो आपका मोबाइल काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा, उसको फास्ट करने के लिए ये ऐप मुफीद साबित हो सकती है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन पर क्लिक कर लें ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपने सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर अब आपने सर्च करना है नोवा लॉन्चर। यहाँ पर मैंने इसको इंस्टॉल किया हुआ है, ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे पास, तो मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर लेता हूँ। दोस्तों ये यहाँ पर अप्लाई मैंने नहीं किया, मैं ऐसे ही आपको यूज़ करके दिखा रहा हूँ। दोस्तों इसका फ़ायदा ये है कि नोवा लॉन्चर में कस्टमाइजेशन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है, जैसे कि नोवा सेटिंग में हम जाते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर आपको कितने ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं, होम स्क्रीन, ऐप ड्रायर, फोल्डर, लॉक एंड फील, नाइट मोड मिल जाता है आपको यहाँ पर, गेस्चर एंड इनपुट मिल जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये देखें, सबसे पहले अगर ऑप्शन को देखा जाए तो यहाँ पर डेस्कटॉप ग्रिड, यहाँ पर आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं, 6 भी कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमाइजेशन, मेरे कहने का मतलब ये है कि कस्टमाइजेशन आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है। आइकन लेआउट देख लें, इसका आइकन छोटा बड़ा आप कर सकते हैं, ठीक है जी। और ये देखें फॉन्ट साइज़ भी आप छोटा बड़ा कर सकते हैं, इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है जी। ये मैं लेबल कलर ये मैंने चेंज किया, ये देखें फॉन्ट इसका कलर चेंज हो चुका है। तो इस तरह से दोस्तों आप इसकी कस्टमाइजेशन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इससे कस्टमाइजेशन इससे बेहतर कोई ऐप हो ही नहीं सकती, तो जिसमें कि आपको ऑप्शन बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा कस्टमाइजेशन मिल जाते हैं, एक एक चीज़ आप इधर से उधर कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। आजकल तो हर एक बंदे का टेस्ट होता भी इस तरह का है कि वो कहते हैं कि जी हर एक चीज़ हम अपनी कस्टमाइज़ कर सकें, ठीक है। तो दोस्तों होता यही है कि हमें ऐप काफ़ी बार नहीं मिलती, ठीक है। इसमें कस्टमाइजेशन, बाकी आप खुद इसमें छेड़छाड़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाह रहा। तो दोस्तों नेक्स्ट आपने करना क्या है, अगर आपकी डिफ़ॉल्ट पे सेटिंग नहीं हो रही तो आपने सिस्टम सेटिंग में जाना है। सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद आपने जनरल में जाना है। जनरल में जाने के बाद यहाँ पर आपने एक ऑप्शन ढूंढना है डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशंस का या डिफ़ॉल्ट ऐप्स का। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा होम और मैसेजेस का। यहाँ पर हमने क्लिक किया होम पर। होम पर जाने के बाद यहाँ पर हम ऐप्स देख रहे हैं, यहाँ पर नोवा लॉन्चर, ये काफ़ी ज़्यादा मैंने लॉन्चर किया हुआ है, ये सिर्फ टेस्ट करने के लिए कि बेस्ट लॉन्चर कौन सा है। दोस्तों इससे पहले मेरे पास S2 था, जिस ज़माने में आज से 5 साल पहले जब मेरे पास सैमसंग गलेक्सी S2 था तो मैंने यही नोवा लॉन्चर ही इसमें किया हुआ था। देखिए इतनी पुरानी ऐप है ये, और बहुत ही अच्छी मुफीद ऐप साबित हो सकती है, जिस उसमें 1 GB रैम थी तो काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलता था मेरा ये इंस्टॉल करने की वजह से। इससे क्या होता है, एक तो कस्टमाइजेशन आपको मिल जाती है और दूसरे नंबर पर जो इसकी ऐप्स होती हैं उसमें जंक फाइलें क्रिएट नहीं होने देता ये ऐप। जो हमारे कस्टम रोम होता है उसमें भी इस तरह का एक चीज़ होती है कि ये फास्ट हो जाता है थोड़ा, उसमें भी लॉन्चर जो यूज़ होता है वो भी बिल्कुल लाइट सा होता है, इसमें भी ये बिल्कुल लाइट है। आप अपने स्टॉक रूम में इसको इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके लिए रूट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप ले लेते हैं, यहाँ पर बातें थोड़ी सी लंबी ना हो जाए इस वजह से मैं यहाँ पर नोवा लॉन्चर पर क्लिक करता हूँ। नोवा लॉन्चर पर मैंने क्लिक किया, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नेक्स्ट आपने क्या करना है, नेक्स्ट इसका ये आपने करना है कि आपने इसका मेन्यू की प्रेस करना है। अगर आप सैमसंग यूज़र हैं तो
आपने यहाँ पर इसका मेन्यू की यूज़ करना है, क्योंकि ज़्यादातर जो मोबाइल आते हैं 1 GB में 1.5 GB में, तो वो आते ही ज़्यादातर सैमसंग में हैं। और अगर कोई किसी और कंपनी का है तो उसका तरीकाकार भी यही है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि उसका मेन्यू की, सबका ही मेन्यू की आप क्लिक करेंगे तो ये आपका यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो मैं अपना मेन्यू की यहाँ पर क्लिक जैसे ही करूँगा तो मेरा ये यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब मैं यहाँ पर मेन्यू की भी दबाऊँगा तो मेरा ये नोवा लॉन्चर रहेगा। ठीक है दोस्तों, रीसेंट ऐप्स में ये आप देख सकते हैं। अब नेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर ये चीज़ें, कुछ ऑप्शंस की बात कर लेते हैं हम। मैं देखें इसमें नाइट मोड, फोल्डर, ऐप ड्रायर की अगर बात की जाए, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता रहा हूँ ताकि ज़्यादा भी टाइम ज़ाया ना हो आपका। तो यहाँ पर ये देखें, ये ऐप ड्रायर, बैकग्राउंड कलर, मैं यहाँ पर इसको ये सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये देखें यहाँ पर ब्लू हो जाएगा। इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल सा है, आप इसे चेंजिंग काफ़ी ज़्यादा इसमें कस्टमाइजेशन कर सकते हैं।